नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका स्वामी न्यूज में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अटल सेवा केंद्र पर आधार कार्ड बनवाने और उसमें सुधार कराने के लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यहां लंबी कतारों में लगे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य हो चुका है। आज बच्चों के एडमिशन से लेकर किसी भी सरकारी या गैर सरकारी काम में आधार कार्ड का होना बहुत ही जरूरी है। इसी कड़ी में अजमेर के अटल सेवा केंद्र में एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आधार कार्ड बनाने और बने हुए आधार कार्ड में हुई गलती का निवारण किया जा रहा है। सेवा केंद्र पर लंबी कतारों में युवकों के साथ बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी लगी हैं। कुछ लोग तो आधार कार्ड बनवाने के लिए अपने नंबर का दो दिनों से इंतजार कर रहे हैं। गड़बड़ी आ रही है, वो सही कराने आए। कितने घंटे हो गए आपको खड़े? हमारे 3-4 घंटे हो गए। छोटे छोटे बच्चे भी हैं? छोटे छोटे बच्चे भी हैं, परेशान हो रहे हैं। इसको खाना भी नहीं खिला के लाई हूँ, यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं करी, डायरेक्ट स्कूल से यहाँ जा रहे हैं लेके। दो दिन हो गए। अटल सेवा केंद्र पर कई इलाकों से लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए पहुँच रहे हैं। ऐसे में ये काम सुविधापूर्वक और कम समय में हो सके, इसके लिए प्रशासन को कोई उचित कदम जरूर उठाना चाहिए। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। सोफिया कॉलेज में सुशीला पाठक स्मृति वार्षिक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय स्वच्छंदता रिश्तों के टूटने का मूल कारण है रखा गया। प्रतियोगिता में पक्ष और विपक्ष के बीच इस विषय पर वाद विवाद हुआ। सोफिया कॉलेज में आयोजित इस प्रतियोगिता में कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। स्वच्छंदता रिश्तों के टूटने का मूल कारण है, इस विषय पर प्रतिभागियों ने अपनी अपनी राय रखी। जो इसके पक्ष में थे उन्होंने बताया कि स्वच्छंदता यानी मनमानी, जिसके चलते रिश्तों में कड़वाहट और तनाव आ जाता है, जिससे रिश्तों में दरार पैदा होती है। स्वच्छंदता यानी मनमानी। जी हाँ, स्वच्छंदता यानी मनमानी। स्वच्छंदता सही में गलत की परिभाषा ही बदल देती है। हमें कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, हम जहाँ हैं वहीं से सोचना शुरू करते हैं। आज हम सब यहाँ एक विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पर वहीं जो प्रतिभागी इसके विपक्ष में थे उनका कहना था कि स्वच्छंदता नहीं बल्कि गैर जिम्मेदारी, समय का अभाव और उचित मार्गदर्शन का न मिलना रिश्तों के टूटने का मूल कारण है। चाहे मित्र दादा एवं गुरु को शिष्य ना, सभी रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं। विश्वास का ना होना नियंत्रण को जन्म देता है और फिर यही नियंत्रण स्वच्छंदता को उत्पन्न करता है। रिश्तों के टूटने का यही मूल कारण है। मेरे विपक्षी प्रतिभागी ने स्वतंत्रता के विषय और स्वतंत्रता के ऊपर आपको काफी जानकारी दे दी है। मैं इसके ऊपर नहीं जाना चाहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि रिश्तों के टूटने का कुछ वास्तविक कारण और है। जैसा इस कार्यक्रम में कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर पर्ल और कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इन सभी ने प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन किया। कॉलेज में वार्षिक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है स्वच्छंदता रिश्तों के टूटने का मूल कारण है। विषय बड़ा ही प्रासंगिक है और हमें सोचने के लिए विवश करता है। वैसे देखा जाए तो आज चिंता का नहीं बल्कि चिंतन का समय है। हमें चिंतन करना है कि रिश्ते किस प्रकार निभाए जाए। आज देखते हैं वर्तमान संदर्भ में पति पत्नी के पास समय नहीं होता है, बच्चों के लिए समय नहीं होता है, यहाँ तक कि अपने बुजुर्ग सास ससुर के लिए भी वक्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी इतनी बढ़ा लेती है, इस कारण वो बच्चे को उपेक्षित कर रही है, घर परिवार को उपेक्षित कर रही है। तो इस प्रतियोगिता का यही उद्देश्य है कि रिश्तों में मधुरता किस प्रकार लाया जाए, रिश्तों में मिठास और सौहार्द किस प्रकार प्रकट किया जाए, इसलिए इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है। इस वाद विवाद प्रतियोगिता के आयोजन का मुख्य उद्देश्य रिश्तों में कड़वाहट को खत्म करना और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देना है। कितने लोग जुड़े होते हैं? अजमेर से सचिन कन्नौजिया की रिपोर्ट। तीर्थ नगरी पुष्कर की कपड़ा फाड़ होली को लेकर नया विवाद पैदा हो गया है, जिसको लेकर वकील शशि प्रसाद ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें यह बताया गया कि कपड़ा फाड़ होली हिंदुओं की परंपराओं के खिलाफ है और ये सब प्रशासन की देखरेख में होता है।
ज्ञापन के जरिए ये मांग की गई है कि आयोजनकर्ता और जो अधिकारी इस तरह के कार्यक्रम की अनुमति देते हैं उन सभी पर कड़ी कार्रवाई की जाए। पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक और धार्मिक सभी को मद्देनजर रखकर यहाँ पर देश विदेश के भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। होली के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को तहस नहस करने का जो कार्यक्रम कपड़ा फाड़ होली के नाम पर पिछले कुछ वर्षों से किया जा रहा है, हमने उसके विरुद्ध आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। न केवल यहाँ पर अश्लीलता परोसी गई और होली के नाम पर जो है खुलकर और नशे के पदार्थों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया और न केवल विक्रय किया गया बल्कि यहाँ पर सेवन भी किया गया और यहाँ पर जो है उत्पात मचाया गया। इसकी संपूर्ण जानकारी हम पर समाचार पत्रों से और अन्य प्रकार से भी हुई है। प्रशासन ने क्या इसके बारे में कोई अनुमति दी है, ये भी आज हमने बात की है कलेक्टर साहब से कि कौन सी अनुमति के तहत इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे तीर्थ गुरु पर आयोजित किए जा रहे हैं, इसे तुरंत रोका जाए अन्यथा फिर हम जो जागरूक अधिवक्तागण जो आज यहाँ पर आए हैं इनको फिर आगे के लिए हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, देखते रहिए स्वामी न्यूज़।